नमस्ते, आज हम बनाएंगे साबूदाना का चीला। तो हमने यहाँ पे दो उबले हुए आलू लिए हैं और इसको अच्छे से हमें मैश कर लेना है। तो मैं दोनों आलू को अच्छे से मैश कर लेती हूँ और ये हम व्रत के लिए बना रहे हैं। तो आलू को हमने देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। अब इसे हम साइड में रख देते और साबूदाना हमने 2 घंटे के लिए भिंगो के रखे हुए थे। अब इसे हमें एक मिक्सी में पीस लेना है अच्छे से, और थोड़ा सा हम यहाँ पे पानी का भी यूज़ करेंगे, नहीं तो ये मिक्सी में पीसेगा नहीं अच्छे से। तो आपको जितना पानी यूज़ करना है उतना कीजिए। और एक पतला सा देखिए हमने घोल बना लिया है। अब हम साबूदाना के घोल को आलू में मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा हम यहाँ पर 2 चम्मच दही ऐड करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर 2 हरी मिर्च को ऐड करेंगे, बारीक काट लिया हमने यहाँ पर। अब बारीक काटा हुआ अदरक लेंगे हम यहाँ पे, आधा बारीक काटा हुआ अदरक है। उसके बाद हम यहाँ पे धनिया पत्ता ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा। अब नमक लेंगे स्वाद अनुसार, ये हमने सेंधा नमक का यूज़ किया है। उसके बाद बहुत ही अच्छी तरीके से हमें सारी चीज़ों को मिक्स करना है। और अगर आपको लगता है कि घोल ज़्यादा गाढ़ा है तो आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। ना तो हमें ज़्यादा गाढ़ा और ना ही ज़्यादा पतला, मीडियम सा एक हमें घोल तैयार करना है। तो मैं बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेती हूँ, और अगर आपको पानी की ज़रूरत हो तो आप बीच में ऐड कर सकते हैं। तो देखिए हमने एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लिया। अब हम गैस पे तवा चढ़ा देंगे। तो तवा हमारा गर्म हो चुका है, हम यहाँ पे थोड़ा सा घी ऐड करेंगे और अच्छे से तवे में लगा लेंगे। देखिए घी हमारा मेल्ट हो चुका है अच्छे से। उसके बाद हम यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच हम यहाँ पे पेस्ट ऐड करेंगे और अच्छे से हल्के हाथों से हमें इसको फैलाना है। आप जितना अपने हिसाब से चीला बड़ा बनाना चाहते हैं उतना ही बड़ा बनाइए, और बहुत ही पतला सा चीला बनाना है। बहुत ज़्यादा मोटा अगर बना लेंगे तो ये जल्दी से पकेगा नहीं, इसीलिए हमें पतला सा चीला बनाना है ताकि जल्दी से ये पक जाए। और तो देखिए आप देख सकते हैं मैंने इतना ही बड़ा एक बार में बना लिया, और ये देखिए बार बार ये चिपक जा रहा है। तो इससे ज़्यादा बड़ा हम अभी नहीं बनाएंगे, तो इसको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं। और इसके ऊपर थोड़ा सा हम घी ऐड कर देंगे ताकि जब हम इसको पलटे तो ये चिपके ना दूसरी तरफ। आप चाहो तो यहाँ पर रिफाइंड तेल या सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हो। तो देखिए नीचे से हो चुका है, एक तरफ लाल हो चुका है। इसको हम धीरे से पलट लेंगे और बहुत ही हल्के हाथों से पलटना है, नहीं तो ये टूट भी सकता है। तो देखिए एक तरफ लाल हो चुका है, अब दूसरे तरफ भी हम सेम ऐसे ही लाल कर लेंगे। और गैस को हम मीडियम फ्लेम पर रखेंगे, और जब चीला हम ऐड करते हैं तवे पे उस टाइम पे हमें गैस को लो फ्लेम पर रख कर ही इसको पकाना है। तो देखिए दूसरे तरफ भी हो गया है, अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसको थोड़ा फोल्ड कर लेते हैं हम और एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं। एक चीला हमारा बनकर तैयार है। तो दूसरा भी चीला हम बनाकर आपको दिखा रहे हैं। एक ही चम्मच लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना, नहीं तो चीला मोटा बन जाएगा। और हल्के हल्के हाथों से ही हमें फैलाते रहना है इसको। थोड़ा सा देखिए इतना बड़ा हमने बनाया है, और इसके ऊपर अभी हम सरसों तेल से भी एक बार बना के दिखा देते हैं। और चारों तरफ हम सरसों तेल लगा लेंगे और इसके ऊपर भी हम सरसों तेल लगाएंगे थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। तो सेम ऐसे ही हमें चीला बना लेना है। तो इसको थोड़ा सा मैं पलट लेती हूँ, बिल्कुल हल्के हाथों से ही हमें पलटना है। तो लीजिए बनकर तैयार हो चुका है हमारा दूसरा चीला भी। तो मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो गैस में मैंने एक पैन में मूंगफली चढ़ा दिया है, उसको थोड़ा सा हल्का हमें रोस्टेड करना है। तो और हल्का सा हम भून लेते हैं इसको, बिल्कुल हल्का सा रोस्टेड करना है। तो इसे हम भून के निकाल लेते हैं। उसके बाद हम एक मिक्सी में इसको पीस लेंगे। तो इसके छिलके हमने निकाल लिए हैं और देखिए एक पाउडर बनाकर तैयार कर लिया हमने। गैस में मैंने एक पैन चढ़ा दिया है, थोड़ा सा इसे हम गरम कर लेते हैं। और यहाँ पे हम 1 चम्मच सरसों का तेल ऐड करेंगे। चटनी को छौंक लगाना है हमें, तो हम यहाँ पे चीला के लिए चटनी बना रहे हैं। और 1/2 चम्मच हम यहाँ पे जीरा ऐड कर दिए। अब हम यहाँ पे हरी मिर्च और अदरक और जो मूंगफली हमने पीस के रखा था उसको एक साथ हम भून रहे हैं। तो अच्छे से हम इसको हल्का सा रोस्टेड कर लेंगे, भून लिया। अब हम यहाँ पे 1 कटोरी पानी ऐड करेंगे। तो चटनी आपको जितनी पतली रखनी है आप उस हिसाब से पानी इसमें ऐड कीजिए। तो मैंने 1 कटोरी यहाँ पे पानी का यूज़ किया है। तो एक उबाल आने देते हैं, गैस को हमने हाई फ्लेम पर रखा हुआ है। तो देखिए एक उबाल आ चुका है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम धनिया पत्ता ऐड कर रहे हैं और अच्छे से हमें इसे मिक्स कर लेना है। और एक बार हम अच्छे से उबाल लेंगे
तो चटनी भी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। चीले के साथ आप इस चटनी को ज़रूर एक बार बनाइए। उम्मीद करते हैं आपको ये रेसिपी हमारी बहुत ही अच्छी लगेगी। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। और नमक हम यहाँ पे स्वाद अनुसार लेंगे, आपको जितना नमक पसंद है। तो सेंधा नमक का हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो देखिए हमारी मूँगफली की चटनी बनकर तैयार हो चुकी है, तो मैं इसे एक कटोरी में निकाल लेती हूँ। तो देखिए हमारा साबूदाना का चीला और मूँगफली की चटनी, चटनी के साथ आप साबूदाना का चीला खा के देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।